सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मैं आज के एक लेटेस्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा। तो यार पूरे वीडियो को वॉच करना। और सबसे पहले यार मैं बता देता हूँ मैं इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। तो यार इसका जो मेन रीज़न है वो एक ही है कि मेरा जो चैनल का एनालिटिक्स है वो, क्योंकि मैंने जब अपने चैनल का एनालिटिक्स देखा तो फिर यार इन 28 दिनों में मुझे कोई यार पहले की तरह व्यूज़ नहीं आ रहे। ठीक है, मुझे पहले जैसे हर वीडियोस में मेरे 100 व्यूज़ कंप्लीट हो जाते थे, मैं लाइक्स का एम रखता था, वो एम भी कंप्लीट हो जाते थे। हालांकि मैं उतना लाइक्स का एम रखता नहीं था, फिर भी जितने भी हो कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो में लाइक का एम रखा तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, प्लस यार मुझे व्यूज़ भी नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था मैंने। और उसके बाद ये भी देखा कि अगर मैं कोई सोच लो 7 मिनट का वीडियो बनाता हूँ तो उन 7 मिनट के वीडियो में मुझे 2.5 मिनट से लेकर 2 मिनट 50 सेकेंड समथिंग ऐसे वॉच टाइम मिलता है, जो कि यार एक हाफ भी नहीं होता कुछ कोई वीडियो का। तो मुझे इसीलिए ये अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे ख़राब लग रहा था, मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया था। और दूसरी बात जो है, मैं कभी यार YouTube पर अर्निंग करने नहीं आया था, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैंने जब चैनल खोला था मुझे पता नहीं था कि YouTube से अर्निंग भी की जाती है। मैंने बस ऐसे ही खोला था और इतना ही, यही था रीज़न मैं थोड़ा ये व्यू नहीं आ रहा था, डिमोटिवेट हो गया था। जैसे आप लोग जान भी सकते हो कि बहुत सारे लोग डोनेशन लेते हैं अगर उनका मोनेटाइजेशन एक्टिव नहीं होता लाइव पर आके, तो मैं वैसा भी कुछ नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसे। तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आयान, आप देख रहे हो नूबरा गैंग, लेट्स बिगिन। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी अपील करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेक एंड गेमिंग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, दबाओ बाजू के बेल आइकन को, उससे क्या होगा मैं जो लेटेस्ट वीडियो लाऊंगा उन सबके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो यार और भी मैं और एक बात करना चाहूँगा कि यार हमारा जो गिल्ड है वो हाल ही में 4 लेवल का हुआ है और हमें इसके लिए कुछ मेम्बर्स चाहिए। और एक मतलब आपको क्या करना है, आपको प्लीज़ हमारे गिल्ड पर जो ज्वाइन करना चाहो कर लो, क्योंकि हमें एक्चुअली मेंबर्स की थोड़ी बहुत मतलब ज़रूरत है ना, समझा करो। तो जो भी है हमें प्लेयर्स चाहिए। और एक चीज़ है कि हमें प्लैटिनम 3 के ऊपर के मेंबर्स चाहिए। ठीक है, प्लैटिनम 3 से ऊपर में जो मेंबर्स होंगे हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आईडी देकर रखा है अपने गिल्ड का, तो जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। अभी बात करते हैं अपडेट के बारे में। यहाँ पर न्यू एक मोड है जो कि रैम्पेज, तो उसमें आपको क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डैमेज प्लस स्पीड प्लस रन डील डैमेज एंड टेक डैमेज। तो यार इसका मुझे जो लगता है इसका मतलब है कि यार आप जितने किल करोगे जितने डैमेज करोगे दूसरे को, आपकी जो और भी डैमेज की मतलब डैमेज दे आप और भी ज़्यादा डैमेज दे पाओगे। ठीक है, मतलब डैमेज बढ़ता रहेगा, चाहे वो आप फिस्ट से करो या फिर किसी गन से। और दूसरा उसके साथ स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आपको इसमें किल करने की थोड़ी ज़रूरत है, मुझे इतना लगता है। और दूसरा अपडेट जो है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देखो एकदम जो UI कहते हैं ना, जो आपको अगर नहीं पता UI क्या है, तो यार UI है एक गेम का जो आप देखते हो लॉबी ऐसे ही चीज़ जो है उसको UI कहते हैं। तो UI चेंज होने वाला है आप लोग इसमें जैसे देख सकते हो, और स्कार को भी देख सकते हो। तो यार ये स्कार जो देख रहे हो ना एकदम ये अभी रियलिस्टिक लग रहा है, तो मतलब UI चेंज होने वाला है और एकदम रियलिस्टिक चीज़ भी थोड़े देने वाला है। तो इसमें क्या होगा, शायद हमारे गेम का MB थोड़ा बढ़ सकता है, थोड़ा क्या शायद 100 MB या 150 MB बढ़ सकता है, मुझे जितना लगता है। और अभी बात करते हैं, देख सकते हो यहाँ पर एक नया पेट आएगा जो है पांडा, यहाँ क्योंकि इसका भी UI देख सकते हो चेंज हुआ है। और यहाँ पर आप लोग अगर ठीक से देखो तो यहाँ पर आपको पांडा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पांडा भी मिल जाएगा इन कुछ अपडेट में। ये सारे अपडेट जो है जुलाई के शुरू या फिर जून के लास्ट में आ सकते हैं, मुझे लगता है जुलाई के शुरू में ही आएंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर है जो यहाँ पर देख सकते हो टैंक। ठीक है, तो यार ये जो टैंक देख रहे हो ना जो कहा जा रहा है कि अपडेट में आएगा, तो यार
ये भी शायद उस हेलीकॉप्टर की तरह ही हो सकता है जो यार बहुत लोग कह रहे थे ना कि यार हेलीकॉप्टर आएगा हेलीकॉप्टर आएगा, तो यार ये जैसे असली ही बात हो चुकी थी। तो यार मुझे लगता है ये जो टैंक की बात चल रही है तो ये झूठ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये टैंक आने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो ये फ़ोटो भी असली नहीं लगता, एकदम फोटोशॉप किया हुआ ही लगता है। तो मुझे इतना ही लगता था और मैंने बता दिया। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। तो अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो पहले हमारे आज के वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।